धन आवंटन में विपक्ष द्वारा अड़ंग लगाए जाने पर विपक्षी नेता अंबादास दानवे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्षी विधायकों के बजाय सत्ताधारी विधायकों को धन आवंटित कर एक तरह से जनता के साथ अन्याय किया। जनता के टैक्स से ही राज्य का विकास होता है। दानवे ने सवाल उठाया कि क्या जिन निर्वाचन क्षेत्रों में धन आवंटित नहीं किया गया है वहां के लोगों को कर नहीं देना चाहिए, और धन आवंटन में भेदभाव को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिस प्रकार अब की सरकार ने जो फंड है, निधि है, जो कुछ विधायकों के ही मतदार संघ में दिए, जो शिवसेना के उद्धव जी के साथ है, जो कांग्रेस के है, इनके ज्यादातर विधायकों को कौन सा भी अपने क्षेत्र में विकास के लिए निधि आवंटन नहीं किया है। पूरे महाराष्ट्र की जनता टैक्स पेयर है, जनता के टैक्स से ही डेवलपमेंट होता है, और जिस विधायकों के क्षेत्र में विकास निधि नहीं दी गई उस एरिया के जो नागरिक है वो कोई टैक्स नहीं भरते हैं, तो उनका भी विकास का अधिकार है। इसलिए सरकार जिस प्रकार इसमें जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन में भूमिका ले रही है निषेधार्ह है।